हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने लास्ट क्लास में फॉर्मूले पढ़ रहे थे अपन। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, ठीक है। अब उन फॉर्मूले से आगे चलते हैं अपन। अगला फॉर्मूला है आपका टेन टू ए का फॉर्मूला, वो होता है टू टेन ए अपॉन 1 plus 10 square a, यहां पे अपन tan 3a का पढ़ लेते हैं। अब देखिए कैसे आता है tan 2a का फॉर्मूला। अगर अपन बात करें प्रूव दैट tan a plus b का पता है आपको, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 minus tan a tan b होता है। अगर मान लो अपन ए की वैल्यू बी पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस क्या है, तो इसको सोल्व करने की बात यही आएगा, यानी कि अपन प्रूफ पढ़ सकते हैं, इसका कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू बी रख दोगे तो ये ए प्लस ए हो जाएगा। अगर अपन ए की वैल्यू भी रख देंगे तो यहाँ पे भी टेन है, यहाँ पे भी टेन है, 1 minus tan square, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो अपन प्रूफ नहीं पढ़ेंगे इसका, ठीक है। जैसे अपन ने साइन टू ए का प्रूफ किया था वैसे आपका टेन टू ए का हो जाएगा, जैसे कोस टू ए का प्रूफ किया था वैसे टेन टू ए का हो जाएगा। वहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, tan a plus b का फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन आगे वाले फॉर्मूलों पे। tan 3a का फॉर्मूला, चलो आगे चलते हैं अपन। sin 3a का फॉर्मूला करते हैं, किसका फॉर्मूला, sin 3a का, वो क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 साइन टू ए। कोस 3 का होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेन 3 का होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 minus 3 tan square a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से मैं एक ही प्रूफ कराऊंगा, आपको कॉपी में भी एक ही प्रूफ करना है, ठीक है। सारी प्रूफ करके क्या करोगे, कॉपी को जल्दी भरोगे क्या, ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए मैं एक को प्रूफ करता हूं, एक को प्रूफ कर दूं, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ दैट साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब LHS लेके चलूंगा मैं, क्या लेके चलूंगा, LHS लेके चलूंगा। LHS क्या है, साइन 3, क्या मैं इसको साइन 2a प्लस ए लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन 2a प्लस b। अब आपको पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a की जगह 2a, cos b प्लस cos a साइन b, मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है, साइन a प्लस b का, साइन a की जगह 2a, cos b b की जगह a, प्लस cos a की जगह b और sin b b की जगह a। बात समझ में आ गई होगी, sin a plus b का मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब देखो आपको पता है sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। अब आपको पता है sin 3a वाला जो फॉर्मूला है
इसलिए सारे साइन में आ रहे, सारे किस में आ रहे हैं, एक सेकंड, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a होता है, वो साथ में क्या है, cos a है, प्लस आपको पता है cos 2a है आपका, कौन cos 2a है, cos 2a, cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं, cos 2a के चार फॉर्मूले, cos square a minus sin square, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. अब चारों फॉर्मूले में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए, माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है, सर फॉर्मूले तो चार बन लिए लेकिन लगाए कौन सा, अब देखिए इसमें कौन सा लगाना है, क्योंकि sin k का फॉर्मूला तीनों जो टर्म आ रही है वो sin में ही आ रही है, सारी की सारी टर्म्स किस में आ रही है, sin में ही आ रही है, इसलिए अपन क्या करेंगे, सारी की सारी टर्म्स किस में आ रही है, सारी की सारी टर्म्स आ रही है आपके पास साइन में आ रही है, इसलिए इस cos 2a का फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें साइन आ रहा है, सभी टर्म्स साइन में आ रही है, सभी पद साइन में आ रहे हैं, इसलिए अपन cos 2a का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन आ रहा है, अब cos 2a का फॉर्मूला कौन से वाले में आता है साइन, तीसरे नंबर वाले में, cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं उसमें जो तीसरे नंबर का होता है उसमें आता है 1 minus 2 sin square a, ये होता है, क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं cos 2a का 1 minus 2 sin square a और साथ में sin a पड़ा है, अब ये क्या हो जाएगा sin a, ये हो गया cos square a, ये cos a क्या होगा cos square होगा, लेकिन आपको किसमें लाना है सारे टर्म को, साइन में लाना है, किसमें लाना है साइन में लाना है, cos a क्या हो जाएगा cos square हो जाएगा, उसको क्या मैं 1 minus sin square लिख सकता हूँ, अरे cos a क्या आएगा cos square आएगा, cos square क्या लिख सकता हूँ मैं 1 minus sin square लिख सकता हूँ, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin a आएगा माइनस आएगा और आगे क्या आ जाएगा 2 sin cube आएगा, आएगा नहीं आएगा, अब इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2 sin a माइनस 2 sin cube a प्लस sin a माइनस 2 sin cube a, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहां से 2 sin a, sin a कितना हो गया sin 3 आ गया, 2 sin cube, 2 sin cube कितना आ गया 4 sin cube आ गया, और आपके क्या चल रहा था sin 3 चल रहा था, क्या आपको यही प्रूफ करना है क्या, अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, यही तो प्रूफ करना था, यस ऑर नो, आपको यही प्रूफ करना था, तो अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे मैंने sin 3a का फॉर्मूला प्रूफ किया है वैसे क्या आप cos 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला प्रूफ कर सकती हो क्या, यस और नो बताइए, कर सकते हैं प्रूफ, ओके दीपक चौधरी बोल रहा है यस सर कर सकते हो, बिल्कुल आकाश बोल रहा है यस सर ओके कर सकते हो आप लोग, तो बेटा जितना राज बोल रहा है समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बेटा, समझ में क्या नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया, आप लोग लेट आए होंगे, जब बेटा क्लास 11 बजे होती तो आप 11 बजे एक्टिव रहा करो, जो समझ में नहीं आया उसके आप लोग वीडियो जो मैं भेजूंगा उसमें रिकॉर्डिंग में समझ लेना, ठीक है, और कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई, समझ में आ गया क्या बेटा, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप लोग कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, वापस से देख लो एक बार, ये वाला प्रूफ करना है आपको, साइन थ्री को मैं साइन टू ए प्लस ए लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस, अब क्या किया मैंने साइन टू ए का टू साइन ए कोस ए, ये ऐसा का ऐसा कोस टू ए का ये लिख दिया, इसका ये हो गया, अब कोस टू ए का ये फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने,
कोस टू का कोस टू ए का फॉर्मूला मैंने ये वाला क्यों लिखा, बेटा गजानंद कुमावत आवाज नहीं आ रही? अरे बेटा वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? बेटा वॉइस आ रही है ना, यस और नो? नहीं आ रही? अच्छा ओके, अब आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है क्या अब, यस और नो? आ रही है? ओके तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? हाँ एक बार इसको वापस से देखो। साइन थ्री का फॉर्मूला ये प्रूव करना है। साइन थ्री को मैंने टू ए प्लस ए लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए की जगह टू ए है, बी की जगह ए है, मैंने ये लिख दिया। अब देखो साइन का फॉर्मूला सभी में साइन आता है, तो जहां भी कोस दिखे उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले एक बार मैंने क्या लिखा, साइन टू ए का फॉर्मूला ये लिख दिया। कोस ए को ऐसा कैसा लिखा, कोस टू ए के चार फॉर्मूले होते हैं, कोस टू ए के मैंने चार फॉर्मूले लिखा था। तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला है उसमें ये आता है साइन वाला वन माइनस टू साइन स्क्वायर आता है। अब यही क्यों लिखा, क्योंकि सभी किस में लाने हैं, साइन में लाने हैं। ये ऐसा का ऐसा, टू साइन ए ऐसा का ऐसा, कोस ए कोस ए कितना हो गया, कोस स्क्वायर हो ए हो गया, कोस ए कोस ए क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। लेकिन लाना किस में है आपको, साइन में लाना है। तो कोस स्क्वायर ए को क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस अब साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ए ये माइनस साइन ए को इससे टू साइन क्यू। अब इसको मैंने सोल्व किया तो टू साइन ए को वन से मल्टीप्लाई टू साइन ए, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू साइन क्यू भी, ये साइन ए ऐसा ऐसा। इसको सोल्व करने के बाद टू साइन ए और साइन ए कितना हो गया, यहाँ पे थ्री साइन ए आएगा। ठीक है, टू साइन ए और साइन ए कितना हो जाएगा, थ्री साइन ए, टू साइन क्यू, टू साइन क्यू कितना हो जाएगा, फोर साइन क्यू। समझ में आ गया होगा, यस और नो? अरे समझ में आ गया क्या, आ गया? अभी राज बोल रहा था समझ में नहीं आया। राज समझ में आ गया क्या? ओके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप लोग, टू साइन ए साइन ए कितना हो जाएगा, थ्री साइन ए हो जाएगा। बेटा गजानंद कुमावत टेन थ्री ए का टेन टू ए प्लस ए कर देना, टेन टू ए प्लस ए कर देना, तो टेन टू टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। बेटा ये मैं करवाता रहूंगा क्या, टेन थ्री ए कोस थ्री ए प्रूफ कराऊंगा, तो फिर एक्सरसाइज कब करवाऊंगा? समझ में आ गया गजानंद, तेरे को करना टेन थ्री ए का। हाँ
ओके अब देखो, अब और फॉर्मूले होते हैं चार, वो क्या होते हैं? अगर ऐसा आ गया 2 sin A cos B, अगर ऐसा आ गया 2 cos A sin B, अगर ऐसा आ गया cos A cos B, अगर ऐसा आ गया 2 sin A sin B। देखिए साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, याद करने का तरीका जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, आते कैसे आपकी बुक में भी दे रखा है और मैं प्रूफ भी करवा रहा हूँ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आना भी चाहिए कैसे आया। यहाँ पे देखो ये इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ऐसा होता है, और ये क्या होता है? बस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले में फर्क होता है बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ रहा है। इसमें क्या होता है? दोनों कॉस रहेंगे और इसमें a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। याद करने का तरीका कैसे होगा? इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से याद करोगे, ठीक है, इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से याद करोगे। हाँ अब देखिए यहां पे अगर बात करें अपन साइन ए कोस बी, इसमें कोस ए पहले आता है साइन बी, दोनों में कोस ए, दोनों में कोस, दोनों में साइन, इन दोनों में साइन आएगा और इसमें भी साइन आएगा। इसमें क्या आएगा? एक साइन, इसमें कोस आता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में क्या फर्क होता है? प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। इस वाले और इस वाले में क्या फर्क होता है? प्लस की जगह माइनस, सिर्फ इसकी जगह। ये आपको ध्यान में रखना कि कैसे लिखा मैंने, पहले साइन बाद में कॉस, पहले कॉस फिर साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। अभी आते कैसे हैं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अरे होता नहीं होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस ए साइन बी। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आएगा नहीं आएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो LHS तो ये आएगा, RHS में ये तो प्लस में है और ये माइनस में बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 sin A cos B आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 sin A cos B आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin A cos B का क्या हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या बात समझ में आ गई क्या मैंने ये समझाया? यस और नो, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस और नो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए आप। यस नीरज चौधरी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा, हर्षिता, चेतन, ओ सबका बिल्कुल सबको समझ में आ गया। तो बेटा एक बार आप लोग इसको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे? माइनस करने पर ये आ जाएगा। यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, कोस ए माइनस बी का लिखेंगे, सोल्व करने पर ये आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ये आएगा। क्या बात समझ में आ गई होगी सभी की? आई नहीं आई? आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी स्टूडेंट्स। जब बात समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब फिर चार फॉर्मूले आपको वो याद करने हैं, कितने फॉर्मूले, चार फॉर्मूले। अब वो क्या होते हैं, देखो साइन सी प्लस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन, नहीं साइन आएगा और यहाँ पे आएगा कॉस सी माइनस डी अपॉन टू होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा कॉस साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है। नंबर तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें दोनों कॉस ही आते हैं, नंबर चौथा कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें दोनों साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर है ना, यहाँ पे इसमें माइनस आता है। किसी किसी बुक में क्या है, किसी किसी बुक में क्या है, इसमें किसी किसी बुक में ये माइनस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको चेंज कर रखा है, सी की जगह डी लिख रखा है, डी की जगह सी लिख रखा है, यानी कि डी माइनस सी लिख रखा है। सी माइनस डी करोगे तो बाहर माइनस आएगा, अगर इसका उल्टा लिख लोगे तो ये माइनस राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन के अंदर अगर आप इसमें माइनस कॉमन लोगे, अगर मान लो इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि डी माइनस सी हो जाएगा। साइन के अंदर माइनस कहाँ आता है, बाहर आता है, साइन के अंदर जो माइनस होता है वो कहाँ आता है, बाहर आता है, इसलिए वो माइनस आता है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो माइनस लिखना, क्योंकि सबने ऐसे ही लिखा है पढ़ने, तो मैंने इसमें भी ऐसे लिखा है, तो बाहर क्या आ गया माइनस। अब देखो याद करने का तरीका कैसे होगा, इसको याद कैसे करें, इसको माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद कैसे करें सर। अब देखो साइन सी प्लस डी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों साइन में, ये दोनों कॉस में है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इन दोनों में क्या होता है, पहले साइन आता है बाद में कॉस, पहले कॉस आता फिर साइन आता है, सी प्लस डी अपॉन टू सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन, ऐसे दोनों कॉस हो तो दोनों कॉस आएंगे, दोनों कॉस के साथ माइनस हो तो दोनों साइन आते हैं, दोनों कॉस के साथ प्लस हो दोनों कॉस में आएंगे, दोनों कॉस के साथ माइनस हो दोनों साइन में आएंगे। अब एक प्रूफ करवा देता हूं, बाकी आप समझ लेना, ठीक है, एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ठीक है, अब जितना कोशिश हो सके आप एक बार में समझने की कोशिश किया लो बेटा, है ना, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा करवा सकूं आपको, ज्यादा चीजें बता सकूं आपको। अब देखो आपको पता है कि साइन टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, उन चारों में से एक प्रूफ करवा रहा हूँ, चारों नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि a प्लस बी की वैल्यू तो है c और a माइनस बी की वैल्यू है d, ठीक है, ये समीकरण एक मान ली, ये समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इक्वेशन सेकंड मान ली, अगर मैं इक्वेशन लेट करता, लेट का मतलब माना होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो बताओ कितना आएगा, अरे ऐड करोगे तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे
तो बी से बी को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सी प्लस डी आएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना जानते हो ना कैसे करते हैं, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, पता ना आपको, जब ऐड करते हैं तब साइन चेंज नीचे वाला चेंज नहीं होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, सी प्लस डी आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, सी प्लस डी अपॉन टू आएगी। अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट को आपने सेकंड से माइनस कर दिया, इसका मतलब होता है राजीव बानो बेटा बोर्ड पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर पे, ठीक है। मोनिका बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, एक बार बताना मोनिका जारवाल बेटा, मोनिका बताना एक बार बेटा, सही दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे, जल्दी बोलो यस और नो। नो। चेतन धाकड़ बड़ा सही दिखाई दे रहा, चेतन धाकड़। नीरज चौधरी यस सर, नीरज चौधरी बेटा, पीयूष सोनी यस सर, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा बेटा। जिसके नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है। जिसके भी कोई दिक्कत आ रही है बेटा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, जब ये क्लास पूरी हो जाए तो आप एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है, और देखिए जिसकी भी दिक्कत आती है तो आप क्या करें, अपने जो मोबाइल में फालतू की एप्लीकेशन, फालतू की फोटोज है, फालतू की चीजें हैं उनको हटा दो, मतलब जो बिना काम की चीजें हैं, फालतू की एप्लीकेशन जैसे लूडो कर रखा होगा आपने, पबजी डाउनलोड कर रखा होगा, तो वो चीजें उनको हटा दो सब, ठीक है ना, फालतू की एप्लीकेशन तो, और मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, क्या कर लेना रीस्टार्ट, एक बार उसको फ्लाइट मोड में करने के बाद वापस ऑन कर लेना। फ्लाइट मोड जानते हो सब लोग, एरोप्लेन मोड बोलते हो, अरे जानते हो ना सब लोग, यस और नो, जानते हैं सब, सब जानते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो इक्वेशन फर्स्ट में से अगर सेकंड माइनस करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू बी। जैसे आप माइनस करोगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, बी भी कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, और सी माइनस डी आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा। अब देखो ये आपके पास आ गया एक बार, यानी कि आपने ए को तो सी माना था, ए को डी माना था, दोनों को ऐड करने पर ए की वैल्यू आई, दोनों को माइनस करने पर बी की वैल्यू आई। अब इसमें पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा टू साइन ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू कॉस, बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, सी माइनस डी अपॉन टू, अरे लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लिखूंगा, और इक्वल में क्या है, इक्वल का चिन्ह साइन, अब आगे इसको बताओ ए प्लस बी को आपने क्या माना था, सी माना था, और ए माइनस बी को आपने क्या माना था, बी माना था, ये बी लिखा। अब मैंने फॉर्मूले को उल्टा लिखा है तो आप उल्टा लिख लो, अरे साइन सी प्लस साइन डी का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ गया ना, यस और नो, समझ में आया नहीं आया, फॉर्मूले को उल्टा लिख लो, यस और नो बेटा, जल्दी से आप कमेंट किया करो आप, है ना, बहुत फास्ट बिजली की जैसे, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फिर अपन आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं।
अब दो स्पेशल फॉर्मूले और होते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। दो स्पेशल क्या होते हैं वो देखो आप। एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस, चलो जब क्वेश्चन आएगा उसको तब क्या बताएंगे, स्पेशल फॉर्मूले ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। वैसे एक आध क्वेश्चन में आएगा काम में, तब उसके साइड में अपन को फॉर्मूला लिखा देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3, जिसके पास बुक है एनसीईआरटी की वो तो बुक को ओपन कर लो, और जिसके पास बुक नहीं है वो बोर्ड पे सामने देखो बस, ठीक है, बोर्ड पे देख के जाना है और मैं समझाता जाऊंगा। बस एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड। थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, सब सही हो जाएगा। सर 5 मिनट, देखिए प्रूफ करना है। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 टैन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस का 1/2, ठीक है। एनएचएस के लिए लूंगा मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 टैन स्क्वायर पाई बाय 4। यहां से पाई बाय 6 है, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन 6 करोगे तो कितना आएगा वो, अगली बार नहीं करूंगा मैं। मैंने आपको बताया था डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, पाई बाय 6 किसकी वैल्यू आई थी 30 डिग्री की। अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 अपॉन 6 cos स्क्वायर 180 अपॉन 3 tan स्क्वायर 180 अपॉन 4 sin स्क्वायर 180 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 30, ये 60, ये 45, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ये कितना होता है, ये भी 1/2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/4, ये 1/4, ये 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, देखिए आपको पता है 1/4 और 1/4 कितना होता है, आधा होता है, अरे एक चौथा ही, और एक चौथा कितना होता है आधा, या 4 एलसीएम में जैसे आप 4 एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 1 माइनस का 4 2 माइनस 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है आरएचएस। स्टूडेंट्स मैं आपको 10th क्लास की जैसे बिल्कुल छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीजों का मतलब, 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये बेसिक चीजें मैं नहीं कराऊंगा बेटा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, और जितने ज्यादा मेरे से पढ़ोगे चीजें तो उतना फायदा रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर अपन। डन।
ओके हाँ, टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या है कि सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, वैसे आप कर सकते हो सेकंड वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को और फोर्थ वाले क्वेश्चन को, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे मैं, मेरे को तो करवाना ही है क्योंकि किसी के पास बुक है, किसी के पास बुक नहीं है, तो आप एनसीईआरटी की बुक ले आए आप लोग, ठीक है। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इस एक्सरसाइज का साइन 75 की वैल्यू चाहिए और टैन 15 की वैल्यू चाहिए, आप इसकी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर जाओगे, ठीक है। होमवर्क में लिख लो दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, स्क्रीनशॉट डन, दोनों की वैल्यू ओके okay, मैंने करवा भी दिया वैसे साइन 75, तो साइन 75 करवा दिया, टेन 15 आप कर सकते हो। ओके थैंक यू बेटा, ध्यान रखिए आपकी 11 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास हमेशा, हो सकता है 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे 11 बजे।